दोस्तों कई बार होता है कि आप लोग किसी को पैसा दे दिया, चाहे वो आपका फ्रेंड हो, चाहे आपके रिश्तेदार हो, या कोई क्लिक हो, या कोई फेसबुक फ्रेंड हो जिसको आपने पैसा दे दिया विश्वास करके, आपने चाहे वो 5,000 दिए, 10,000 दिए, जिसके आपके पास कोई सबूत है, आपने नगद कैश पैसा दे दिया लेकिन आपने लिखा पढ़ाई कुछ की नहीं है, तो वो पैसे वापस कैसे निकाल सकते हो? जी हाँ दोस्तों, बिना सबूत दिए हुए पैसे निकालने का मैं आपको एक बेस्ट ट्रिक बताऊंगा दोस्तों आज, जो काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए रहेगी और आपका पैसा सेफली वापस भी आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूँ हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़े, अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में पूरी डिटेल होती है, वहाँ जाके आप पूरी चेक कर सकते हो। देखिए दोस्तों, मान लीजिए आपने किसी को 50,000 रुपये दिए, 10-20,000, 2-5,000 तो हर कोई भूल भी जाता है कि चलो दोस्ती है, बिगड़ जाएगी, लेकिन 50,000 लाख 2 लाख रुपये आपने किसी को दे दिया, उसका आपके पास कोई सबूत है नहीं। अगर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन किए तो उसकी कोई दिक्कत है ही नहीं वो चीज़ों तो, लेकिन अगर आपने बिना केस लेके आपने केस नगद दे दिया उसको और लिखा पढ़ाई नहीं किया, विश्वास कर लिया कि अच्छा आपका रिश्तेदार है, अच्छा आपका दोस्त है, कोई जानने पहचानने वाला आपका, तो दे देगा आपको 10 या 15 दिन के लिए, बोल के लेके चला गया। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो? देखिए, मान लीजिए आपने किसी को दिया है और वो पैसा देने से बिल्कुल मना कर रहा है, आपका फ़ोन उठाना ही बंद कर दिया, उस सिचुएशन में क्या किया जाए? तो देखिए, आप पहले ही जब भी आपको पैसा देते हो, आप किसी को कैश नगद देते हो, तो उसके तुरंत बाद आप एक स्कीम अपनाइए। मैं एक फॉर्मूला आपको ट्रिक देता हूँ, उसको अपनाइए। आप उसको या तो एक टेक्स्ट मैसेज कीजिए कि भाई साहब, जैसे आपने 10,000 भी दिया उसको, तो उसकी तरफ से आपने उधर से आपकी तरफ से एक मैसेज करिए, टेक्स्ट मैसेज उसको, और लिखिए कि भाई साहब यार, मैं 20,000 आपको दिया था, कब दोगे? तो वो आपको वापस रिटर्न एक मैसेज करेगा, यार भाई क्यों मजाक कर रहा, तूने तो 10,000 भी दिया है मुझे। ठीक है, मतलब यही चीज आपको करना है, या फिर आपको कॉल करना है, कॉल करके स्टार्टिंग में आपको इस चीज़ को सेव कर लेना कि भाई मैं तेरे को 15-20,000 भी दिया था, कब दे रहा, भी डबल बता के, तो वो एक रियलिटी बताएगा अमाउंट अपना कि कितना अमाउंट लिया है। जैसे आपने 10,000 भी दिया किसी को, आप उसे कॉल करके कहेंगे, यार भाई तू मेरे से 50,000 भी लिया है ना, कब दे रहा है, जल्दी दे, मेरे को जरूरत है अभी। वो कहेगा, यार भाई मजाक क्यों कर रहा है, तू मुझे 10,000 दिया, हाँ तो भाई जो भी दिया हो कब तक दोगे, तो वो टाइम वाइम बता देगा जो भी चीज़ होगी, मतलब जो एक्चुअली आपने जितना दिया वो एक्सेप्ट कर लेगा खुद। वह चीज़ आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में जैसे टेक्स्ट मैसेज के थ्रू या ऑडियो रिकॉर्डिंग, आप कॉल रिकॉर्डिंग के थ्रू एक्सेप्ट करा लेती हूँ। उसके बाद आपको जो एविडेंस एक्ट है 65B, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एविडेंस एक्ट 65B के तहत एक सर्टिफिकेट बनाना है, या प्राइमरी एविडेंस के तौर पे आपके फोन को ही कोर्ट में शो अप कर देना है। उसके बाद आप एक सिविल सूट फाइल करिए और एक नोटिस जारी कर दीजिए, उसमें आपका पैसा कहीं भी नहीं डूबने वाला। जी हाँ दोस्तों, सबसे बेस्ट ट्रिक यही है, जब आप किसी के सबूत अबूत नहीं देते हो, कोई लिखा पढ़ाई नहीं रहती है, तो ऐसी सिचुएशन में आप अपना जो पैसा है उसको आप इस तरह से निकाल सकते हो, कभी भी आपका पैसा नहीं डूबेगा। जी हाँ दोस्तों, बस आपको एक ट्रिक अपनाना होता है जो मैं आपको बता दिया, कि एक मैसेज छोड़ दीजिए आप, या 10,000 या 15,000 का मैसेज छोड़ दिया, रियलिटी वो बता देगा, कॉल करके उसे कह दीजिए एक बार, वो कह देगा, उस चीज़ को आप रिकॉर्ड कर लीजिए, रिकॉर्ड करने के बाद आप उसमें 65B का नोटिस बनाइए, कोर्ट से एक नोटिस जारी करा दीजिए, या अपने वकील के द्वारा जारी करा दीजिए, ऑटोमेटिकली पैसा आ जाएगा आपका, कभी भी आपका पैसा नहीं डूबेगा। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा ट्रिक किस तरह से अपना सकते हो, काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो था सभी के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे इंस्टाग्राम को सेकंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।